शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो रिजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कंपटीशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं, चल डैडी। खुद के बाल नोचे, मेरे बाल नोचेगी? हम का नहीं हमें बैठाए के बैगन वहावे चल जाए, हम का नहीं हमें बैठाए के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अरिया सरिया, मोरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम का नहीं हमें बैठाए के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है, हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? है? अंदर मालकिन में दूध लाने के लिए कहाँ पहुँचाने जा रहे हैं? बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए क्या? अगर हम तो अंदर जाएंगे तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? हाँ। बहुत कमाल की चीज है। हाँ? फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ ब्याह रचा है। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है। ये क्या भरतनाट्यम कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं, अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई। ये देखो, हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गाँव खेड़े के आदमी, हमारा इतना काम तो करी दो, उसकी चिट्ठी पहुँचा दो यार। पहुँचाए दे तो अब देखो हम किसको कहाँ पहुँचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? हाँ। तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? उस इडियट की हिम्मत कैसी हुई गुस्से की? और ये क्या? ये वो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेटी तू खाम खा नाराज हो रही है, दरअसल मैंने भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? हाँ, हाँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए। क्या वो? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। ये क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। है? आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए, आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता। देखे, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्टिकेट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है, और फिर ये तस्वीरों वाली बात। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए आइए आइए। हेलो सर,
शर्मा को कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में। मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में। मैं आपको क्या बताऊं, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान, मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार। मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा, हाँ, लेकिन नाराज मत होना जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान। मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझकर कबूल कर लो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सर, मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ। देता हूँ, नेक काम में देरी किस लिए। ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं, मैं आपको मिल के भेजा। स्टूपिड फड़क सिंह, ये सब क्या है? वही सर जो आप देख रहे हैं। सर, अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर, मुझे गलत फहमी हो गई। और ये क्या यू लगा रखा है? आप रोहित को क्यों बुलाते जिसने मुझे खत लिखा है? रोहित, बात सारी समझ में आ गई सर। ये हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर, रोहित को बुलाइए सर। सर, आपने मुझे बुलाया सर। रोहित, क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खातिन को दिया था? एक मिनट, उधार वाला चुम्मा है ना, प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। शट अप। सर, ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए। ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे, चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर, उसकी बात बिल्कुल बताइए, बिल्कुल झूठा इंसान है। आप है कौन जो मुझे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है? सर, आप इस खत को ठीक से पढ़िए। क्या इस खत की हैंडराइटिंग मुझसे मिलती है? क्या मैंने कभी किसी से शादी की है यहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम क्या जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइए आइए अनवर मियाँ, तशरीफ लाइए। आदाब। भाई अनवर मियाँ, क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था? सर, मैंने इनको नहीं लिखा था। तो? बल्कि इनकी बेपना चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर, तू डर मत, तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए, आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही हैं। अनवर, ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था? मैंने पहुंचाया था सर। नहीं पहुंचाया। अनवर, ये सब सच है सर। अनवर, तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो, इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे भाई, कैसा है तू? रोहित, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो किसी को मत बताना कि मेरे साथ बस में क्या हुआ। कैसी बात करता है तू अनवर? आज तक मैंने कभी किसी से बताया कि तेरे साथ थिएटर में क्या हुआ था? तू भाग अनवर, तू भाग। और तू देख, मैं तेरा बदला लेने के लिए क्या करता हूँ। हुँ? हुँ? हुँ?
हे राम, हे राम, मैं कहाँ आ गई? पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक बंजारन, जंगल में जा रही थी, सांप मारे पीछे पड़ गए। मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा, मैं चलती। अरे ठहरो ठहरो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, लेकिन तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मारे में भी एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? मेरे को रात को गरबा खेलकर सोने की आदत है। तुम मेरे साथ गरबा खेलोगे? खेलेंगे खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छाजो रे मारवाड़ा मारवाड़ी में आजा लाव जो रे एकदम नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकता अभी। बचाओ बचाओ बचाओ। इंसाफ मिलेगा। अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अरे बेवकूफ खड़क सिंह, कुछ किए बगैर ही हवालात में आ गया। ए नरस, क्या है? तो मेरे को एक बात पूछूं? क्या पूछना है? मेरे लोग मेरे को इधर काई को लेके आए हैं। खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछूं? तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों नहीं, धक्का लगने का चांस है। देखो जो भी कहना है मिसेस गायकवाड़ से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड़ बेचारी सुकर से, धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। हल्का साला मेला मर्द लोगन को बहुत सर्दी है, अगर बलात्कार करने की टाइम जरा शर्म नहीं आता हीरो कन को। चला कपड़े काटा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। ओ बाबा आती है। मेरे को पर तो मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। कब बस? अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुच्छर खड़क सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? चला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तुम मेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर की लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है शर्माती है। चला हाथ पाई पकड़ा। डॉक्टर ने पकड़ा नरत ने जकड़ा, जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का सच्चा दिया। सत्यानाश किया, खुद का सत्यानाश किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे जिरे जिरे।